सिद्ध जगन्नाथ पाखरे लागिहेला शताधिक व्यंजन। पुराण अनुजाई श्रीकृष्ण माँ जशोदा प्रथमे विभिन्न प्रकार व्यंजन खुआइले। से ही अनुसार भारतीय संस्कृति अनुजाई विभिन्न मठ मंदिर कृष्ण को व्यंजन लागि होइथाए। कलियुगरे जगन्नाथ होउछन्ति कृष्ण अवतार रूपे ग्रहण कर अवसर में केन्दुझर जिलार सिद्ध मठ स्थित सिद्ध जगन्नाथ मंदिर व्यंजन द्वादशी पालन कर दैनिक रीतनीति पर सिद्ध जगन्नाथ ठारे 100 ऊर्ध विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रसाद रूपे परेषण कर सुखिला भोगा सह रंधा खाद्य और विभिन्न प्रकार फलमूल जगन्नाथ को प्रसाद लगी कराइला। केन्दुझर प्रसिद्ध कर्पूर केड़ी सह फुलबड़ी मंजी बढ़ी भजा खिचड़ी दला खेचुड़ी डालमा खट्टा लड़ू काकरा रसगोला आदि प्रसाद लगे होता। सिद्ध जगन्नाथ नवकलवर पर व्यंजन द्वादशी सिद्ध जगन्नाथ मंदिर में पहुंडिया सेवकों द्वारा संपन्न होती। अवसर शताधिक भक्त प्रसाद सेवन करते। संग्राम केशर मिश्र रिपोर्ट केडी न्यूजुड़िया। मधुसूदन मिश्र सिद्ध जगन्नाथ पाखे आम 2015 रु व्यंजन द्वादशी पालन कर एबर्ष सबु वर्ष 100 रु ऊर्ध प्रकार व्यंजन प्रस्तुति करा जाय थाय। एथरो टिके हमको माने सुआर टिके कम थिवारु आमे टिके कमी जाइछु 100 प्रकार भितरे आमे करिछु व्यंजन। आ सिद्ध जगन्नाथ कतरे माने 2015 रु या लागी करा जाउछ। विश्वसक्त बोले व्यंजन द्वादशी पालन करा जाय थाय कृष्ण को पई आमे सिद्ध जगन्नाथ पाखरे कृष्ण को रूप रे व्यंजन द्वादशी पालन करूछु। आ कृष्ण को तांको माँ बहु प्रकार आज द्वादशी व्यंजन देते तेणु आम जगन्नाथ कृष्ण रूपी जगन्नाथ को आम व्यंजन दे मुख्यतः भजा खिचुड़ी दला खिचुड़ी माली खिचुड़ी पुरदिया काकरा खोला काकरा रसगोला मालपुआ विभिन्न प्रकार शाग तरकारी डाली विभिन्न प्रकार हरड़ डाली मुग डाली बुट डाली बिरी डाली मुग कांति समस्त प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करा जाए। बड़ी दही छेना प्रत्येक जिनस दिखाई। नवकिशोर साहू वरिष्ठ नागरिक केन्दुझर। व्यंजन द्वादशी ये तो हूँ गोटे विराट इतिहास यार अच्छी। ये द्वापर जुगरु माँ जशोदांकर जो प्रकार कृष्ण को देते विभिन्न प्रकार अन्न सुखिली अन्न पाखु आरंभ कर शखुड़ी अन्न विभिन्न प्रकार अन्न करते तेणु ताकू आम जनसाधारण समस्ते से परंपरा को बजाय रखापी व्यंजन द्वादशी आरंभ कराई कि आगु तो ये परंपरा ना 2015 मसीह जितेबाला आमर एटी नवकलेवर है जगन्नाथ नवकलेवर है से दिन ठारू आमर पहंडिया सेवक मानकर प्रशासन सहयोग आसुला कितु ए बर्ष अत्यंत परितापर विषय प्रशासन सेमती सहयोग आम पाऊ।